नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। लेट सकट हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत कच्चे तेल का अपना पहला कमर्शियल रणनीतिक भंडार बनाने की योजना बना रहा है। किसी भी आपात स्थिति में आपूर्ति बाधा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का गठन किया है। इस कंपनी ने कर्नाटक के पादूर में 25 लाख टन भूमिगत भंडारण बनाने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। पहले चरण में 53 लाख टन भंडारण क्षमता बनाई गई थी। अब दूसरे चरण में पीपीपी मॉडल के तहत 25 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्राइवेट कंपनियां भंडारण का डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण और परिचालन करेंगी। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत तेज गति से तरक्की करेगा। विश्व बैंक के मुताबिक 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान है। उसने पहले अनुमान को 1.2% संशोधित किया है। दक्षिण एशिया के अगले 2 वर्षों तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है। साल 2025 में वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वृद्धि को ज्यादा लचीला बनाने के लिए देशों को निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार वृद्धि को मजबूत बनाने वाली नीतियां अपनाने की जरूरत है। सोना अब तेजी से 70,000 की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव बुधवार को 830 रुपये उछलकर 69,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये दूसरा मौका है जब इस सप्ताह सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं। चांदी की कीमत भी 1,700 रुपये के जोरदार उछाल के साथ 80,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। विदेशी बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,275 प्रति औंस पर, जबकि चांदी बढ़त के साथ $26.25 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। भारत में साइबर जगत में रैंसमवेयर हमलों का खतरा इस साल भी बने रहने की आशंका है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर स्काई के मुताबिक भारत में पिछले साल गैर कानूनी गतिविधियों के तहत लगभग 2 लाख रैंसमवेयर हमले दर्ज किए गए थे। उन्नत भागीदारी खतरों के लिए भारत लगातार टॉप 12 टारगेटेड देशों में शामिल है। लगातार 3 सालों से फाइल एनक्रिप्शन भारत में कंपनियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। टेस्ला ने भारत में 2 से 3 अरब डॉलर के निवेश के साथ इलेक्ट्रिक कार प्लांट लगाने की योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अप्रैल के अंत तक टेस्ला की एक टीम भारत आएगी। ये टीम भारत में प्लांट के लिए जमीन की तलाश करेगी। टेस्ला की टीम जमीन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु का दौरा करेगी। सरकार ने पिछले महीने भारत में निवेश की शर्त पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात पर शुल्क को घटाया है। इसके बाद टेस्ला ने भारत में प्रवेश करने की अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को शेयर धारकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब कर्ज में डूबी कंपनी शेयर और ऋण के जरिए 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रही है। इस कदम का मकसद रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल की बराबरी करना है। इस पूंजी से वोडाफोन आइडिया को भारतीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। इस साल भीषण गर्मी पड़ने से बिजली की मांग के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के अनुमानों को देखते हुए सरकार ने बिजली संयंत्रों को उत्पादन के लिए एडवांस प्लानिंग बनाने और गर्मी के मौसम में मेंटेनेंस के लिए प्लांट बंद न करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 11 को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। इससे पावर प्लांट फुल कैपेसिटी का इस्तेमाल करने के लिए कोयले का आयात सितंबर 2024 तक कर सकेंगे। ताइवान में भयंकर भूकंप की वजह से भारत सहित दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरण महंगे होने का डर बढ़ गया है। बुधवार सुबह ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। ये 25 साल में सबसे बड़ा भूकंप है। भूकंप की वजह से वहां पर सेमीकंडक्टर बनाने वाली दिग्गज कंपनियों को अपनी इकाइयां दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ रही है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में सेमीकंडक्टर की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 27 अंक की गिरावट के साथ 73,876 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी भी 18 अंक की गिरावट के साथ 22,434 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 नुकसान में रहे। वैश्विक स्तर पर नकारात्मक संकेत बने रहने का असर भारतीय बाजारों पर भी साफ देखा जा रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक बुधवार को शुरू हो गई है। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में केंद्रीय बैंक रेपो दर के संबंध में निर्णय करेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी के फैसले की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। ऐसी उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक एक बार फिर प्रमुख नीतिगत दर रेपो को यथावत रखेगा, क्योंकि आरबीआई का पूरा ध्यान अभी भी महंगाई को नियंत्रण में करने पर बना हुआ है। ये वित्त वर्ष 2024-25 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की थी और तब से ये लगातार 6.5% पर बरकरार है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी नाइन के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। वहीं आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दे दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।